नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 3 जून 2023 को अमित जी तथा जया बच्चन की शादी को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मतलब कि इनकी शादी को 50 साल 50 इयर्स ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी अगले वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। जहां तक मुझे याद है 3 जून 1973 को अमित जी तथा जया बच्चन की शादी हुई थी। दरअसल दोस्तों अमिताभ बच्चन तथा जया बच्चन की शादी जंजीर फिल्म में साथ साथ इन्होंने काम किया था और ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद में दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी कर लेनी चाहिए, मतलब शादी करना चाहते थे। हालांकि शादी ये बाद में करना चाहते थे, थोड़ा लेट करना चाहते थे, लेकिन जब ये एक फॉरेन टूर पे इनको जाना था, एक बाहर विदेश घूमने जाना था, तो उस समय अमित जी ने जब अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से पूछा कि मुझे टूर पे जाना है, बाहर जाना है, तो हरिवंश राय बच्चन ने पूछा कि आप किसके साथ जा रहे हो। तो अमित जी ने कहा जया साथ जा रही है। तो उनके पिता ने कहा, अमित जी के पिता ने कहा कि पहले शादी कर लो, उसके बाद में साथ में टूर पे जाना। इस प्रकार के विचार उनके पिता ने अमिताभ बच्चन को व्यक्त किए थे और उन्हें एक तरीके से पिता का कुछ कहना अमित जी के लिए एक आदेश की तरह होता था। तो अमिताभ बच्चन ने कहा ठीक है, पहले शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार अमिताभ बच्चन तथा जया बच्चन की शादी हुई थी। एक बात और आपको यह बता दूं कि जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए उस समय की कोई भी बड़ी अभिनेत्री तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि जंजीर फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन की कई बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई थी और अमित जी पर एक फ्लॉप एक्टर का छप्पा लग गया था कि एक फ्लॉप एक्टर है, तो कोई भी बड़ी अभिनेत्री उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। ऐसे में जया बच्चन ही उनके साथ काम करने के लिए तैयार हुई थी और इसके बाद में दोनों ने शादी करने का निश्चय किया था। तो दोस्तों जया बच्चन ने जो उनकी नातिन है नव्य नवेली, उनके पॉडकास्ट पर एक बात बताई है कि अमित जी ने उनसे शादी करने से पहले क्या शर्त रखी थी। दरअसल दोस्तों आप जानते हो उस समय जया बच्चन बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उनके पास काफी फिल्में थी और वे बहुत ज्यादा काम किया करती थी, काफी बिजी रहती थी। तो अमित जी ने उनसे ये कहा था कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम करना कम कर दे, लिमिट समय के लिए काम करे, कम काम करे, अच्छे लोगों के साथ काम करे। उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना नहीं किया था जया बच्चन को। जया बच्चन ने खुद ये बात बताई है कि उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने से मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कम काम करने की सलाह दी थी कि कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में आप काम करिए, कुछ अच्छे लोगों के साथ आप काम करिए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सारे दिन काम में बिजी ना हो। मतलब उन्हें ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक लगातार काम करती रहे और फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए। तो अमित जी को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो घर के कामों में भी ध्यान दे, परिवार को भी संभाल सके और अपना काम भी कर सके, तो उन्होंने इसलिए सलाह दी थी। और आप जानते हैं शादी के बाद में जया बच्चन ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। तो इस बात का खुलासा जया बच्चन ने किया है और अब अगले वर्ष वे अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। काफी फेमस जोड़ी है और काफी इनकी शादी की भी मिसालें दी जाती है कि काफी इनकी शादी आज भी, मतलब धर्मेंद्र जी हो, हेमा मालिनी हो, या अमिताभ हो, या जया हो, इनकी शादी के बारे में अभी भी बातें होती है कि किस प्रकार से आजकल जहाँ शादियां ज्यादा चलती नहीं है, बहुत जल्दी तलाक हो जाता है, तो एक मिसाल है कि शादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं सफलतापूर्वक, खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।